नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। लव जिहाद के मामले आए दिन पूरे देश के साथ प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लव जिहाद की आड़ में नाबालिग को भी शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं, एक मामला बांदा जिले में देखने को मिला है जहां पर एक नाबालिग लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नाबालिग को बहला कर ले गया आरोपी, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, 5 महीनों तक करता रहा रेप, 5 महीने बाद लौट कर बताई आप बीती। आखिर कब तक इस तरह से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाएगा? क्या इस कुप्रथा से कभी लड़कियों को निजात मिल पाएगी? बता दें कि हाल ही में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बांदा में एक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके बाद रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही आरोपी युवक ने लड़की पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी देते हुए कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा। मामला देहात कोतवाली के एक गांव का है। यहां पर रहने वाली नाबालिग ने बताया कि जुलाई महीने में एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने वहां उसके साथ गंदा काम किया, साथ ही धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। वहीं आरोपी ने मेरे मोबाइल के सभी नंबर डिलीट करते हुए सिम कार्ड भी तोड़ कर फेंक दिए। आरोपी युवक ने मुझे तकरीबन 5 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इन 5 महीने को दरमियान परिवार वालों और पुलिस ने लड़की की तलाश की और कड़ी मशक्कत के बाद लड़की परिजनों और पुलिस को मिल भी गई। वहीं नाबालिग ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि प्रशासन ने लड़की की मेडिकल जांच कराने में लापरवाही की है। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को बचाने और खुद बचने के अलावा कुछ नहीं किया है। अगर पुलिस इस मामले की जांच में तेजी लाते हुए कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मामले में बांदा पुलिस का कहना है कि लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद ही लड़की को बरामद किया गया। इसमें आगे की न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। और फुट डेस्क प्राइम टीवी। गुनाहगार की हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।